ठीक है, ये इस वीडियो का पार्ट नंबर टू है जिसमें हम इसके हल की तरफ जाएंगे या सोल्यूशन की तरफ जाएंगे या जिन चीज़ों से हम डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं और डिप्रेशन से निकल सकते हैं अगर हम चले जाएं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि वो चीज़ें जो इंसान के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें मजहबी हैं, मुआशरती हैं और अखलाकी हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास चांस ये है कि हम डिप्रेशन में कम जाएं, क्योंकि गिल्ट होता है इंसान के अंदर अगर आप कोई अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, माशरती तौर पे आप जो आपका रोल है आप वो पूरा नहीं करते, या इथिकली अखलाकियात के अंदर कोई सी चीज़ है तो आप खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो भी मेन जिम्मेदारियां हैं, मैंडेटरी हैं, ऑब्लिगेटरी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, आप उनको पूरा करें। उससे क्या होता है कि आपका इनर सेटिस्फाई रहता है, और अगर आपका इनर सेटिस्फाई रहता है तो आप डिप्रेशन की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि इंसान का लाशऊर उसको कह रहा होता है कि ये जिम्मेदारी मैंने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से हर वक्त उसको एक स्ट्रेस रहता है। उसके बाद इसमें कुछ हम सिंपल सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे जो कि प्रोपोज किए गए मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट की तरफ से। सबसे पहले हमारा है एक्सरसाइज। अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो वो भी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है और डिप्रेशन में जाने से रोकता है। उसकी वजह कि एक तो आप सेहतमंद रहते हैं, दूसरा आपके ख्यालात जो हैं वो मुतफरिक चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। उसके अलावा आपकी बैलेंस डाइट है, आपका जो खाना पीना है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा आउटिंग्स ना करें, आप अपने खाने को इतना बैलेंस रखें कि उसमें ग्रेन्स, फुल ग्रेन्स हो, और उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या सब्जियाँ इसको आप ज़्यादा यूज़ करें, और फिश को। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी डाइट बैलेंस रहती है, मुख्तलिफ तरह की सब्जियां खाएं, मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स खाएं। बैलेंस डाइट से आपका स्टमक बैलेंस रहेगा, स्टमक बैलेंस रहेगा तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे और आपका डिप्रेशन का चांस कम हो सकता है। सोशल मीडिया कट ऑफ करें, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करें, इतना यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपकी आम जिंदगी मुतासर ना हो। रिलेशनशिप अपने स्ट्रॉन्ग रखें, फैमिली, फ्रेंड्स और आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ। हॉबीज़, जैसे मैंने पहले शुरू की वीडियो में भी कहा था कि आपकी हॉबी लाजमी होनी चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि इंसान जब थक जाता है तो उसको नींद की ज़रूरत होती है, यानी फिजिकली थक जाता है, पर अगर कोई मेंटली थक जाता है पढ़ाई करके, कोई काम करके, तो उसको हॉबी की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो हॉबीज़ आपके लिए ज़रूरी हैं। आपकी डेली चॉइसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करें। अगर आपने अपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर सवार कर ली हैं सुबह से शाम तक, तो आप इतनी चीज़ें, इतनी जिम्मेदारियाँ रखें जितनों को आप पूरा कर सकें, क्योंकि अगर आपकी अनफुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो वो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएं। उसके अलावा नींद पूरी करें, अपनी नींद इतनी रखें कि आप दिन में जो भी ज़रूरी है, जैसे 8 से 7 घंटे जो भी है वो आपको पूरी करनी चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोग, इनसे आप थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में ले जाती हैं, और मनफी अफराद भी। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि आपको मुस्बत चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा मुस्बत चीज़ें ही मुस्बत चीज़ों को जन्म देती हैं। आपकी जो डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, या आपके अंदर कोई भी बीमारी है, उसका आप इलाज प्रॉपरली कराते रहें। अगर आपकी हेल्थ सही होगी, आपकी बीमारी कंट्रोल्ड होगी, तो आप डिप्रेशन में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि बीमारियों उनका कॉम्प्लिकेटेड हो जाना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा निकोटीन कम से कम लें, अगर ड्रग्स यूज़ करते हैं तो वो कम करें। और एक होती है इंग्लिश में, उसको कहते हैं ट्रिगर्स, यानी वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं अचानक डिप्रेशन की तरफ या स्ट्रेस की तरफ। कुछ चीज़ें जैसे कुछ लोगों को तंज बुरा लगता है, कुछ लोगों को कोई ऐसी ख़ास चीज़ होती है जिसकी वजह से उनको नफरत आती है बहुत तेज़ी से, या उस चीज़ पे गुस्सा आता है। तो जो ट्रिगरिंग वाली चीज़ें ना, आप उनको अवॉइड करें, वहाँ से चले जाएँ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान न दें। तो ये दो वीडियोज़ का एक कॉम्बिनेशन था जिसमें ये है कि हम स्ट्रेस होता क्या है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को डाल दें, इन चीज़ों पे अमल कर दें, तो हो सकता है हम स्ट्रेस से भी बच जाएं और डिप्रेशन में जाने से भी बच जाएं। बहुत शुक्रिया।